पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और किस तरीके से वो आपके एसी मशीन को इफेक्ट करता है। वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे जस्ट पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, और अगर उससे पहले वाले वीडियोज़ भी नहीं देखे हैं तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अगला जो वीडियो है वो इसके इक्विवेलेंट सर्किट पर मैं बताऊंगा, और ये वाला जो वीडियो है वो अगले वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देते हुए चलना होगा, तब जाके आपको सिंक्रोनस जनरेटर जो है बहुत ही अच्छे से माइंड में क्लियर हो पाएगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो आर्मेचर रिएक्शन के बाद की मैं बात करने जा रहा हूँ, कि उसके बाद अगर अपन इक्विवेलेंट सर्किट की भी बात करें तो उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है और क्या क्या पैरामीटर्स उसके अंदर में काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीकेज फ्लक्स की। देखिए, लीकेज फ्लक्स का मतलब है कि लीक कर रहा है। तो जैसा कि आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा कि वो फ्लक्स जो आपका मेन फ्लक्स के साथ काम नहीं आ रहा है, जो आपके मशीन में कुछ यूज़फुल वर्क नहीं कर पा रहा है, वो आपका लीकेज फ्लक्स है। ठीक है, इतनी सी बात है कि कोई भी फ्लक्स, एनी फ्लक्स सेटअप बाय द लोड करंट, लोड करंट की वजह से फ्लक्स सेट हुआ विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू यूजफुल फ्लक्स ऑफ द मशीन इज़ अ लीकेज फ्लक्स। ठीक बात है कि कोई भी फ्लक्स जो आपका मेन फ्लक्स में काम नहीं आ रहा, वो आपका लीकेज फ्लक्स है। अब ये लीकेज फ्लक्स जो है, हमने जो हमारा क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर था उसके अंदर भी हमने इस लीकेज फ्लक्स को शो करा था इक्विवेलेंट सर्किट में, आपको याद होगा, उसको एक रिएक्टेंस के थ्रू हमने वहाँ पर शो करा था। उसी तरीके से हम यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर भी इसको शो करेंगे एक रिएक्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो मेरा इंटरनल ईएमएफ जनरेट हुआ वो दो ईएमएफ का मिलकर के हुआ, देखिए, सबसे पहले तो एक वो वाला ईएमएफ हो गया जो मेरा मेन फ्लक्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये मानूँ कि ये मेरा रोटर हो गया, ये मेरा स्टेटर हो गया, तो एक जो फ्लक्स है वो यहाँ फ्लो कर रहा है पहले से, इस रोटर के अंदर जब मैंने एक्साइटेशन दिया, ये घूमा, उसकी वजह से एक फ्लक्स यहाँ पर रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से एक एक्साइटेशन वोल्टेज यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में जनरेट हो गया, वो इंटरनली अभी है ना। ठीक है, अभी आर्मेचर रिएक्शन को मैंने कंसिडर नहीं किया है जब तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसिडर कर लूँ, आर्मेचर रिएक्शन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए। तो अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन को भी जनरेट कर लूँ जो इस फ्लक्स पर असर डालेगा, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अगर मैं उसको भी कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ पर जो मुझे फाइनल जो वोल्टेज मिलेगा, जो फाइनल ईएमएफ मुझे मिलेगा, वो इसका भी मिलेगा। मतलब मुझे इन दोनों को कंसिडर करना होगा, तब जाके मुझे फाइनल ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को कंसिडर किया जाएगा जब भी हम नेट की बात करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो ईएमएफ इसकी वजह से ये तो जनरेट हो गया, एक आपका मेन फ्लक्स की वजह से जनरेट हो गया। अब मैं ड्रॉप्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं ये कह दूँ कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर एक तो आपका हो गया लीकेज फ्लक्स, ठीक है, उसको अपन लीकेज रिएक्टेंस, मतलब आप उसको एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के थ्रू शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने ट्रांसफार्मर में करा वैसा हम यहाँ पर भी शो कर देंगे। लेकिन एक होगा जो आपके आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आपका रिएक्टेंस है, उसको भी तो आपको शो करना है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आपका यहाँ पर जो एयर गैप फ्लक्स के अंदर जो चेंज हुआ, जो मेन फ्लक्स है उसके एयर गैप फ्लक्स जो है उसके अंदर जो चेंज हुआ, उसको आप इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे शो करेंगे। देखिए, मेन बात क्या होती है कि सारी जो बातें हैं ना फिक्शियस बातें हैं, मतलब आपका इनसे रियलिटी से मतलब नहीं है, आप इसको शो करने के लिए रियलिटी से मतलब है उसका, वो जुड़ती है, सारी बातें कंसिडर होती है, लेकिन आप उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे शो करेंगे। ऐसा भी मैं इसको रिएक्टेंस बना करके शो करने वाला हूँ, तो ये रिएक्टेंस जो है ये एक्चुअल में वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, वहाँ पर एयर गैप फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स होगा, वो सारी बातें होगी, लेकिन ऐसा कोई इंडक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ें शो करनी है ताकि मैं कैलकुलेशंस कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो स्टेटर वाइंडिंग है, उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है,
उसको मैंने एल ए से शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास वहाँ पर सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ये मैंने आपको भी बताया, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स बनेगा, तो उसका एक सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। एक उसका रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। और जो एक्स ए आर है, ये मैंने आपको बताया आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो एयर गैप फ्लक्स के अंदर चेंज हुआ, उसको मैं इस वाले इंडक्टिव रिएक्टेंस के तौर पर शो करूँगा। फिर इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको मैं इसके साथ शो करूँगा। जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स डेवलप हुआ, उसकी वजह से जो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको मैं इसके थ्रू शो करूँगा। वो अभी हम देखेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ, तो ये मैं जनरेटर बनाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ईएमएफ शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ, ये हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप्स कहाँ कहाँ होंगे? एक तो आपका होगा जो आपका आर्मेचर रिएक्शन ने जो चेंज करा, जो आपके फ्लक्स में एयर गैप फ्लक्स में जो चेंज करा, उसकी वजह से ड्रॉप होगा, उसको मैंने रिएक्टेंस की तरह शो कर लिया। ऐसा रिएक्टेंस होगा नहीं वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी इंडक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपन कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर शो करेंगे। उसी तरीके से जो आर्मेचर वाइंडिंग है आपकी, जो आपकी मेन आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, तो उसके अंदर भी तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप, उसका किसी भी, अगर आप किसी भी कॉइल को देखोगे, तो उस कॉइल के अंदर एक इंडक्टेंस होता है, तो वो इंडक्टें उस इंडक्टेंस को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस रिएक्टेंस को मैंने यहाँ पर शो कर दिया एक रिएक्टेंस के थ्रू। इसका मैं नाम दे दूंगा एक्स ए, इसका मैं नाम दे दूंगा एक्स ए आर। तो ये एक्स ए आर रिएक्टेंस हो गया, ये एक्स ए रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टिव है दोनों, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस भी होता है, वाइंडिंग है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो यहाँ पर मैंने इसको आर ए के थ्रू शो कर दिया। और लास्ट में मैंने यहाँ पर लोड लगा दिया, ठीक है। अभी अभी मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, ऐसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो अभी आपको यहाँ पर देख लेना है ठीक से, ठीक है। यहाँ पर जो आई ए करंट है वो फ्लो हो रहा है, ये हमने एसी के लिए सिंबल बना दिया। अब अगर हम इसका नेट, जो हम इसकी इक्वेशन लिखें, वो किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, जो हमको बाहर जो टर्मिनल पर मिलेगा, जो लोड को फाइनली वोल्टेज मिलेगा, वो क्या मिलेगा? एक तो उसका जो इंटरनल ईएमएफ जनरेट हुआ वो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये आप आराम से लिख सकते हो इस सर्किट के थ्रू। अगर आपने सर्किट बनाना आ गया आपको, तो आप ये लिख सकते हो। आर्मेचर रिएक्शन का जो रिएक्टेंस है, जो मेन आर्मेचर वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है, या फिर आप इसको स्टेटर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, जो स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, उन तीनों को कंसिडर करने के बाद जो भी आप यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो वी इज इक्वल्स टू ई ए, ठीक है, माइनस, क्योंकि अब यहाँ से अगर करंट जाएगा तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप होगा। और ये मैंने आपको बताया कि एक फिक्शियस क्वांटिटी है, ये रिलेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? अगर ड्रॉप होगा तो माइनस लगाएंगे, और फिक्शियस क्वांटिटी के लिए आप यहाँ पर जे लगाते हैं, ठीक है। फिक्शियस का मतलब है कि ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इमेजिनरी के लिए आप जे लगाएंगे यहाँ पर। रियल के लिए नहीं आता है, इमेजिनरी के लिए आएगा। और इसके अंदर अगर मैं लिख दूं एक्स ए आर आई ए, तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें भी ड्रॉप होगा, तो इसको भी मुझे जे एक्स ए आई ए। मैंने आपको बताया कि जो लीकेज फ्लक्स होता है, वीडियो के शुरू शुरू में मैंने आपको बताया कि जो लीकेज फ्लक्स होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, वो आपका मेन फ्लक्स में इंक्लूड ही नहीं होता है। उस मेन उस लीकेज फ्लक्स को शो करने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। और जो आपका मेन फ्लक्स में चेंज कर रहा है, वो आपका ये है, ठीक बात है। ये भी ड्रॉप होगा, ये भी ड्रॉप होगा। उसके बाद आर ए, ये भी तो ड्रॉप करेगा आपका, तो यहाँ पर आर ए, लेकिन रेजिस्टेंस तो मौजूद होता है असली में, तो यहाँ पर जे नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होता है, उस रेजिस्टेंस को मेजर भी कर सकते हो। तो वो वाला रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ये इक्वेशन आपको लिखनी आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे सकता हूँ। अब अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूँ, तो मैं इसके अंदर ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। इसको आप लिख सकते हो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप,
इसको आप क्या लिखोगे, एक्स ए आई ए को आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक है, और इसको आप क्या लिखोगे, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज। समझ में आ गई आपको बात, ये लीकेज रिएक्टेंस है, ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो चेंज हुआ उसका वोल्टेज है, ठीक है। ये तीनों ही ड्रॉप होंगे लेकिन तीनों की वैल्यू अलग, वो जो नाम है वो अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सर इस एक्स ए को और एक्स ए आर को कंबाइन करके मैं एक्स एस लिख सकता हूँ, कुछ जगह लिखा जाता है, ये टर्म भी यूज़ होती है, इसका नाम भी होता है, वो अपन यहाँ पर अभी देखते हैं। तो इसको मैं एक्स ए प्लस एक्स ए आर अगर मैं लिख दूँ तो इसको मैं इक्वेशन नंबर टू नाम देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स एस है ये सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए लिखा जा रहा है, ऐसा कोई खास इसका कारण नहीं है। तो ये जो एक्स एस है इसको आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंस है और सिंक्रोनस मशीन है, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। ये भी एक फिक्शियस क्वांटिटी है जिसके अंदर एक तो लीकेज फ्लक्स जो है या फिर जो लीकेज रिएक्टेंस है उसको कंसिडर किया जाता है, दूसरा जो मेन मेन एयर गैप फ्लक्स के अंदर जो चेंज होता है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये भी फिक्शियस क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब अगर मैं इन दोनों को मिला करके यहाँ पर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? तो इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको? ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर एक्स एस लिख दिया, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब आपको पता है मैंने ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन दोनों में आपको बताया कि इन दोनों को आप कंबाइन करके जेड एस लिख सकते हो, तो इसको ई ए माइनस, अगर मैं यहाँ पर जो आई है अपना उसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस जे एक्स एस इंटू आई ए, कोई दिक्कत है? इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो अब इसको जो कम इसको आप जो है उसको आप जेड एस लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ई ए माइनस जेड एस आई ए, ठीक है, और ये जो जेड एस है ये आपका हो जाएगा आर ए प्लस जे एक्स एस, एक रियल क्वांटिटी एक इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इस जेड एस को यहाँ पर बोला जाता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ये सारी बातें आपके इक्विवेलेंट सर्किट में काम आएंगी, जब मैं फेजर डायग्राम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तब आपके काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दिया ताकि आपको ये बेसिक जो है ये पहले से ही क्लियर हो, ताकि वहाँ पर ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा होना चाहिए और वहाँ पर ना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। ये जो है इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोला जाता है, इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोला जाता है। तो चीज़ें दोनों अलग अलग रखिएगा, दोनों ध्यान में रखिएगा, एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए का मतलब पता होना चाहिए, एक्स ए आर का मतलब पता होना चाहिए, आर ए आई ए क्यों आया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर ये सर्किट बनाया मैंने वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका सही जवाब देने की और जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की।